आईपीआर लॉ लेक्चर्स के इन वीडियोस के माध्यम से हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम जो डिफरेंट मोड्स ऑफ असाइनमेंट है, जैसे असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, बाय ट्रांसफर ऑफ असाइनमेंट, तो ये जो वेरियस मोड्स हैं असाइनमेंट के, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? जब कॉपीराइट ओनर अपने ओरिजिनल वर्क को किसी दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर देता है, आइदर पार्शियली या कंप्लीटली, तो उस एक्शन को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। और ये जो असाइनमेंट है, इसके वेरियस मोड्स हो सकते हैं, वेरियस वेज हो सकते हैं, जिनमें जो पहला है वो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो मोड्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ, मोड्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसे पहला है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 20 मोड ऑफ असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करता है, और ये कहता है व्हेन देयर इज नो वैलिड विल द कॉपीराइट ओनरशिप ट्रांसफर्स टू द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर आफ्टर देयर डिमाइस एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ई स्टेट। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 20 स्टेट्स दैट अगर कोई वैलिड विल नहीं है, वसीयत नहीं है, तो जो कॉपीराइट ओनरशिप है वो कॉपीराइट होल्डर के मरने के बाद उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, ई स्टेट की तरह, जायदाद की तरह, जागीर की तरह, ठीक है। दूसरा क्या है, बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट थ्रू दिस मैनर इज वैलिड ओनली व्हेन ऑथर गिव्स हिज कंसेंट इन राइटिंग दैट द कॉपीराइट ऑफ हिज वर्क आफ्टर हिम विल बिलोंग टू हिज डिसेंडेंट्स। तो दूसरा क्या है, बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में यहाँ पे जो कॉपीराइट ओनर है वो अपने राइट्स को किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं करता है, और उसके मरने के बाद उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो राइट इस्टेट के तौर पे मिलता है। लेकिन टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन में कॉपीराइट ओनर जीते जी एक रिटन कंसेंट देता है कि उसके मरने के बाद जो राइट्स हैं वो उसके डिसेंडेंट को जाएंगे। हम जानते हैं कि जो कॉपीराइट मिलता है वो, जो कॉपीराइट मिलता है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए मिलता है, इसका कोई पीरियड नहीं होता है, जैसे पेटेंट में 15 से 20 साल, राइट। तो ये ट्रांसफर होता रहता है कॉपीराइट जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। तो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन में कॉपीराइट ओनर राइटिंग में अपने कंसेंट दे करके अपने डिसेंडेंट को वो राइट ट्रांसफर करता है। तीसरा क्या है, ट्रांसफर बाय असाइनमेंट, बाय असाइनमेंट,
द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव ओनर ऑफ फ्यूचर वर्क हैज़ द राइट टू असाइन एनी पर्सन द कॉपीराइट ऑफ दैट वर्क. तो कॉपीराइट ओनर के पास ये भी राइट होता है कि वो चाहे तो अपने राइट को या तो कम्प्लीटली या पार्शली किसी थर्ड पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे. दिस इज मोड ऑफ ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट. ठीक है, एक और है, कॉपीराइट ओनर इफ डाइज इंटरस्टेट, कॉपीराइट ओनर इफ डाइज इंटरस्टेट मतलब बिना विल तैयार किए वो अगर इस दुनिया जहान से चला जाता है, सच पावर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इफ कॉपीराइट ओनर डाइज इंटरस्टेट सच पावर्स विल बी गिवन टू हिज हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. तो दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. अब देखो, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन. कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन. पहला कहता है लीगल प्रोटेक्शन. यू कैन टेक लीगल एक्शन इफ योर कॉपीराइट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957. ये एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, क्रिएटर का एक पॉजिटिव इमेज स्टैब्लिश करता है सोसाइटी में, लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं. ठीक है, कॉपीराइट एक एसेट है. क्यों? क्योंकि वो मदद करता है, कॉपीराइट ओनर को मदद करता है कि वो अपने उस वर्क से इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक गेन ले सकता है, अपने वर्क को असाइन करके रॉयल्टीज ले सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है उसे, और सेफ गार्ड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है लाइफ टाइम के लिए. ओनर की खुद की क्या होती है, पब्लिसिटी होती है उसके उस वर्क से. तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन. क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लीगल प्रोटेक्शन. पहला लीगल प्रोटेक्शन, दूसरा क्या है, ब्रांड वैल्यू, तीसरा क्या है, कॉपीराइट इज एन एसेट, कॉपीराइट इज एन एसेट. लीगल प्रोटेक्शन, ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट इज एन एसेट, ओनर पब्लिसिटी, पांचवा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और लास्ट क्या है, सेफ गार्ड ऑफ ओनर. यहां लिख लो, सेफ गार्ड ऑफ ओनर, safeguard to owner. So this is all about today's lecture. आज के इस वीडियो में हमने different modes of assignment of copyright के बारे में बात किया. अगर copyright को define करने के लिए आता है तो आप copyright को define करते हुए modes of assignment भी लिख सकते हो अगर long question में पूछा जाता है. अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के कंप्लीट लेक्चर को दो वीडियोस में कवर किया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, और कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, तो वीडियोस देखिए और वहाँ से नोट्स बना लीजिए. अगर ये वीडियो
आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।